गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन. सो वी लर्न अबाउट दिस सब्सिडियरी अलायंस इन द प्रीवियस वीडियो. इन 1798 द लॉर्ड वेलेस्ले अराइव्ड इन इंडिया एज गवर्नर जनरल. हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टेब्लिश द ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर इंडिया. फॉर दिस इज साइंड द सब्सिडियरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर्स. एंड अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंस वॉट हैपेंड दैट इंडियन रूलर्स वर एश्योर टू ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प. मीन्स ब्रिटिशर्स विल हेल्प देम इन वेन एवर दे विल फाइट विथ द अदर रूलर्स. ओके बट द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देअर कोर्ट. ओके दे विल हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देअर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस. मीन्स ब्रिटिशर्स की आर्मी उनके कोर्ट में रहेंगी और उनका खर्चा उनको सैलरी इंडियन रूलर्स देंगे. ये उन्होंने मतलब लॉर्ड वेलेस्ले ने अंडरस्टैंडिंग में थे कि ये हमें हेल्प करेंगे. बट हुआ उल्टा ही है ना. इनका सारा खर्चे का बोझा जो है इन पर पड़ गया और धीरे धीरे सभी लोगों ने और दी रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश. और कोई भी अलायंस मतलब जो रूलर है जो राजा है वो किसी भी दूसरे राजा के साथ वार नहीं करेगा मतलब वार डिक्लेयर नहीं करेगा जब तक ब्रिटिशर्स के साथ बात नहीं करता और ना ही ब्रिटिशर्स के बातचीत किए बिना दूसरे राजा के साथ वार नहीं करेगा. और ये जो ब्रिटिशर्स है उनके लिए रहने के लिए घर ये सब व्यवस्था रूलर को करनी पड़ती थी. और फिर ब्रिटिश हमारे जो रूलर थे हमारे जो इंडियन राजा थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और अपना फ्रीडम गवा बैठे. इन 1802 बाजीराव सेकंड साइन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश. और ये अलायंस वसई का तह मतलब वसई का ट्रीटी ट्रीटी ऑफ वसई नाम से वेल नोन है. जो और बाकी के जो मराठा सरदार थे उनको ये ट्रीटी एक्सेप्टेबल नहीं थे. देवर अगेंस्ट ऑफ दिस सब्सिडियरी अलायंस. वाई बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू लूज देयर फ्रीडम. और इसीलिए सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज्ड इंटरफियरेंस ऑफ ब्रिटिश इन टू द मराठा स्टेट. और ये वार में बाजीराव सेकेंड अलग थे और बाकी के मराठा सरदार जो थे वो एक साइड में थे. इनमें यूनिटी नहीं थी. सो दैट ब्रिटिशर्स वोन दिस वार. और ये विक्ट्री की वजह से क्या हुआ कि इंटरफियरेंस बढ़ता गया ब्रिटिशर्स का और दिस बिकेम इनटॉलरेबल एंड बाजीराव सेकेंड वेज्ड अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश. और बाजीराव सेकेंड को फिर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार कर दिया. और फिर अकेले पड़ गए थे बाजीराव क्योंकि पहले युद्ध में बाकी मराठा सरदार जो हार चुके थे अब ये बाजीराव का साथ नहीं दिया उन्होंने. और 1818 में फिर जब हार गए तो वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया. और इसी वक्त मुगलों का जो कैपिटल था दौलतराव शिंदे इनके हाथ में था. वो भी शिंदे के ट्रूप को हरा कर जनरल लेक ने मुगल एम्परर कैप्चर कर लिया था और पूरे भारत पर ब्रिटिशर्स का आक्रमण हो चुका था कब्जा हो चुका था. ऑल्दो द पेशवाशिप केम टू एन एंड छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग. पेशवाशिप खत्म हो गई थी लेकिन सातारा के जो राजा थे वो अभी भी राजा ही थे छत्रपति प्रताप सिंह. तो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ एक ट्रीटी साइन की और ग्रैंट डफ को ऑफिसर के तौर पर छत्रपति प्रताप सिंह को असिस्ट करने के लिए वहाँ पर रख दिया ग्रैंट डफ को. ओके बट लेटर द छत्रपति वॉज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल टू काशी. लेकिन कुछ दिनों के बाद मतलब छत्रपति थे हमारे उनको ये सहन नहीं हुआ कि जो ग्रैंड टप थे वो ज़्यादा इंटरफियरेंस करते थे हर डिसीजन में खुद का ही ये करते थे. राजा को ये पता चल चुका था कि उन्होंने अपना फ्रीडम गवा चुके हैं तो उन्होंने भी फिर उनके अगेंस्ट का ये करना लड़ाई करना करने का प्लान किया. तो उनको छत्रपति को उनके सिंहासन से हटा दिया गया राजा पद से हटा दिया गया और उन्हें काशी भेज दिया गया. काशी मतलब टुडेज बनारस जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में. और फिर वहाँ पर उनकी डेथ हुई 1847 में. ओके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो.